इसको हम लोग हैं अंबिकापुर के एक अच्छे से जगह में, जो कि है एक दोस्त का रूम। और हम लोग यहाँ अंबिकापुर कुछ काम से आए हुए थे और फिर यहाँ दोस्त के रूम में रुके थे। एंड आज हम लोग अंबिकापुर बस ऐसे यूं ही घूमना है। एंड आज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करना है, ब्लड डोनेट करना है। तो आज ब्लड डोनेट करते हैं। एंड अंबिकापुर का मैं सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ। और सुबह अभी लगभग 6:30 बजे हुए हैं और अभी चारों ओर की ओर फॉग ही फॉग है, नहीं दिख रहा होगा, मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाता हूँ। हे गाइस, तो आज के ब्लॉग को हम यहाँ फॉग से स्टार्ट करते हैं। एंड तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हे गाइस, छोटो हेलो बड़ो नमस्ते, मैं संदीप भगत एंड वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल सैंडी ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग अपने जो गाड़ी है, अपन जो गाड़ी को लेके आए हैं उसको वॉश कराएंगे पूरी तरह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो उसको अंदर बाहर पूरी तरह से उसको वॉश कराना है। उसके बाद फिर अपन शायद ब्लड डोनेट करने जाएं। अपन लोगों को ब्लड डोनेट करना था तो ब्लड डोनेट करेंगे। उसके बाद फिर अपन जाने वाले हैं मूवी देखने के लिए, अवतार। तो आज का हम लोग का शेड्यूल यही है। तो अभी मैं सुबह 6:30 बजे उठ चुका हूँ और चारों ओर फॉग ही फॉग है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अंबिकापुर में आके आप और फॉग ना देख पाए तो क्या ही मज़ा। और ठंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है गाइस। मतलब अभी 2 दिन पहले ठंड बहुत ज़्यादा कम था, बट आज अचानक से ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं तो कांपने लगा हूँ, क्या बताऊँ। इतनी सुबह उठ गया एक्साइटिंग में कि हाँ फॉग देखने को मिलेगा, इसलिए जल्दी सुबह उठना भी पड़ा, उठ भी गया। एंड लेकिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अंदर चलते हैं क्योंकि कुछ देर और रात शायद जमने लगूँगा। तो चलिए चलते हैं। और हमारे साथ अभी है पिंटू भैया और अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल से कॉल आ गया कि थोड़ा आना है करके, तो अपन निकल रहे हैं। तो अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो अपन इसमें आए हैं, तो अभी पहले हॉस्पिटल चलते हैं फिर उसके बाद गाड़ी वॉश कराते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी काम है, भी काफ़ी गंदी हो रखी है अंदर से भी और बाहर से भी। तो सभी को वॉश कराते हैं अच्छे से क्लीन, फिर चलेंगे गाइस मूवी के लिए। चलिए फिर चलते हैं। तो आप देख ही सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा कोहरा है, रास्ता देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि धुंध बहुत ही ज़्यादा घना है। और ये अपनी स्कॉर्पियो काफ़ी गंदी हो रखी है, दिख रहा होगा डस्ट पूरी तरह से, इसको क्लीन कराना है पूरा। चलिए फिर मिलते हैं हॉस्पिटल में। तो गाइस चाय पी लेते हैं, थोड़ा ठंड में चाय ना पियो तो ठंड का मज़ा नहीं आता। तो चलिए चाय पी लेते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल जहां हम लोग पेशेंट को लेके आए हैं, ये माँ महामाया हॉस्पिटल। और अभी ब्लड डोनेट करने के लिए भी अपन लोग को जाना है लगभग 1 घंटे बाद। और ये मेरे चाचा आ रहे हैं, इनकी मोम को यहाँ लेके आए हैं, इनका तबीयत ख़राब है, तो ठीक है इसके बाद चलते हैं ब्लड डोनेट करने, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से वहाँ तक। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं तेज ब्लड बैंक,
जो सामने हैं ये यहाँ, तो अपन लोगों को यहाँ ब्लड डोनेट करना है, तो चलते हैं अंदर। फाइनली गाइस, जो हमारे उमेश मामा हैं वो यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो वहाँ डॉक्यूमेंट्स वो वगैरह, और इधर इनको भी करना था, बट ये कल करने वाले हैं आकाश मामू के साथ में। अभी क्या है, नाश्ता नहीं किए हैं, तो फिर इनको अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, खाली पेट ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए ऐसा इनका कहना है, तो वो कल डोनेट करेंगे, और उमेश मामा अभी कर रहे हैं। तो गाइस इनको पूछते हैं दुखा थोड़ी, तो और निकालना है अभी और निकालना है। अच्छा, ऐसे बैठे बैठे निकालने के हम लोग क्या सोच रहे थे, इंजेक्शन जैसे बैठे बैठे निकाला जाता है, हम लोग क्या मालूम। अभी मतलब सैंपल लिया गया है, अब तो अभी आगे का जो है वो अभी होगा। आज ये दे रहे हैं, कल इनको देना है ब्लड। तो चलिए गाइस ब्लड डोनेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार के बाद अभी ब्लड डोनेट के लिए मामा लोग गए हैं अंदर, और मैं तो अंदर नहीं गया क्योंकि मेरे को इंजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, मैं बाहर ही बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, और लोग गए हैं अंदर डोनेट कर रहे हैं, तो तब तक मैं यहीं वेट करता हूँ उनका, या तो बाहर चलता हूँ गाइस। तो फाइनली अभी ब्लड डोनेट का काम हो गया है, और ब्लड डोनेट करके आ गए हैं, और बहुत बड़ा सिरिंज रहता है बता रहे हैं, काफ़ी दर्द होता है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा था गाइस। गाइस ये देखिए, इधर ये मैं हूँ, और हमारा ब्लड निकल रहा है। मैं तो डर से नहीं गया अंदर। तो आपको भी अगर ब्लड डोनेट करना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, पुराना बस स्टैंड के बाजू में तेज हॉस्पिटल है, उसके जस्ट बाजू में तेज ब्लड बैंक है, तो आप यहाँ के ब्लड डोनेट कर सकते हैं कभी भी, अंबिकापुर। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग अभी कार वॉशिंग सेंटर पहुँच चुके हैं, और अपनी स्कॉर्पियो यहाँ अपन छोड़ रहे हैं, और शाम को लेके जाएंगे, और गाड़ी लेके जाते हैं यहाँ से, और अभी तो कितनी गंदी गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, और देखते हैं शाम को कैसी लगती है हमारी गाड़ी। और इनका कहना ये है कि आप न्यू गाड़ी लेके जाओगे यहाँ से, तो देखना ये होगा कि अपनी गाड़ी धुलने के बाद कैसी लगती है। तो आप आइए यहाँ, यहाँ सारा काम होता है। तो फाइनली गाइज, मैं थिएटर पहुँच चुका हूँ, और इस थिएटर का नाम है जायसवाल चित्र मंदिर, नीचे थिएटर और ऊपर जिम है शायद, देखने को तो यही मिल रहा है। एंड मुझे यहाँ आकाश के डैड छोड़ने आए थे, एंड जो मेरे मामा लोग हैं वो वहाँ टिकट करा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं मूवी। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अभी चलते हैं मूवी के लिए, क्योंकि टाइम हो गया, 3 बजे का शो है, तो चलिए चलते हैं अंदर। फाइनली गाइस, मूवी स्टार्ट हो गई है, तो मैं मिलता हूँ आप लोग सब डायरेक्ट मूवी के बाद एंड हाफ में। तो फाइनली गाइस, हम लोग मूवी देख के बाहर आ चुके हैं, और मूवी काफ़ी अच्छी थी, और अभी लगभग 6:30 बज चुके हैं, और अंधेरा हो गया है, और बहुत मज़ा आया मूवी देखने में, काफ़ी ऑसम मूवी थी। और ये जो हॉलीवुड वाले होते हैं ना गाइस, उनका कोई जवाब नहीं होता है, बहुत अच्छी मूवी थी, मज़ा आ गया देख के ताबड़तोड़। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं कार वॉश के लिए जहाँ छोड़े थे, तो अपनी गाड़ी लेने चलते हैं, वो न्यू नवेली दुल्हन बन चुकी होगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से वॉश होनी थी, और तो चलिए चलते हैं अब घर के लिए। और मूवी के बारे में क्या ही बताऊं, मूवी इतनी अच्छी थी ना,
बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ऑसम। आप सभी को भी आके एक बार देखनी चाहिए मूवी, 3 घंटे की मूवी है। आपको कहीं से उठने का मन नहीं करेगा गाइस, क्योंकि हर एक सीन काफ़ी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं फिर, बाय बाय। हे गाइस, तो फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं आकाश भैया का वेट कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ लेने आने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन चलते हैं वहाँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर जाएंगे अपनी स्कॉर्पियो लेने के लिए। तो फिर ठीक है गाइस, मिलता हूँ मैं। बना लिया हूँ, हो जाएगा, एक कंटेंट तो बन ही गया। अपनी गाड़ी रेडी, तो गाइस अपनी गाड़ी पूरी तरह से धुल के पूरी तरह रेडी हो चुकी है। देख रहे हैं कितनी शाइनिंग आ रही है, कितनी चमक रही है। तो अब देखना है ये है कि अंदर से इंटीरियर कैसा है, अंदर से कितना साफ किया गया है। वाओ, क्या ही बताऊँ, एकदम चमक रहा है गाइस। मैं अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन बना है गाड़ी, बहुत अच्छे से साफ हो गया है अंदर से, पहले चमक रहा है ना, पूरा डैशबोर्ड वगैरह देख रहे हैं ना, नीचे पूरा क्लीन, ऊपर क्लीन, खुलेगा, खुलते रहे। तो गाइस देख रहे हैं ये ऊपर का पूरा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, पूरी तरह साफ हो चुका है सीट वगैरह, और इधर ये डैशबोर्ड वगैरह पूरा क्लीन। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है अभी धुलने के बाद, सेकेंड हैंड में काफ़ी गंदी मिली थी हम लोगों को, और अभी पूरी तरह साफ हो गई है। अभी ठीक लग रहा है ना गाड़ी, तरफ से मस्त लग रहा है, मतलब कराना चाहिए 2-3 साल में, तो हर साल कराना चाहिए। कितना साफ हो गया डैशबोर्ड देखना, देख रहा हूँ कितना गंदा था ये, यहाँ को पहुँचेंगे तो निकल जाएगा गंदा है। वो होगा पॉलिश है ना, पॉलिश पूरा वाइट। तो गाइस अभी अंबिकापुर में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है आज से, और अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं और चारों ओर धुंध फैल चुका है, और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम। आज रिटर्न होने का था लेकिन आज अपन रिटर्न नहीं होंगे, आज भी यहीं स्टे करने का है। कल सुबह जिनको अपन लेके आए थे उनको भी लेके जाना है वापस, क्योंकि उनको डिस्चार्ज मिल चुका है। तो चलते हैं अभी रूम, मिलता हूँ मैं आप लोग से अब रूम में। अरे बाबा रुकना था क्या। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अभी घर, जहाँ हम लोग को आना था कल, जहाँ अपन स्टे किए थे वहीं पहुँच गए हैं। तो चलते हैं अंदर क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ,